गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज अपन पहला क्लास ले रहे हैं 11th स्टैंडर्ड में, जिसमें अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने तुम लोगों को बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो 10th स्टैंडर्ड में अपन यूज़ करते थे, है ना, वो कैसा देखा था। उसके बाद फिर कुछ फॉर्मूलेज देखे थे, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट ओहो आहा ओए, इस टाइप का मैंने कुछ तो भी पढ़ाया था तुम लोगों को। ठीक है, तो मैंने बोला था कि मैं ओहो आहा ओए ही यूज़ करूँगा। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, एक बार फिर से देख लेते, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या बताया था बताओ। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा, उसके बाद फिर कितना आएगा कॉस थीटा, थर्ड नंबर टैन थीटा, फोर्थ नंबर कोसेक, फिफ्थ नंबर सेक, सिक्स नंबर कितना आएगा कॉट आएगा, और इसी सीक्वेंस में अपने को चलना है। मैंने ये भी बताया था तुम लोगों को। ठीक है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये सीक्वेंस अपने को फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने बोला था ओहो आहा, और उसके बाद फिर मैंने क्या लिखा था ओए ओहो आहा ओए। ठीक है, अब इसका मतलब भी अपने को पता चल गया था। ओहो मतलब, ओ मतलब क्या आएगा, अपोजिट आएगा। ठीक है, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर किया। ठीक है, मैंने इसको 90 डिग्री बोला, ए बी सी। ठीक है, एंगल बी बराबर 90 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। तो मुझे पता है कि अगर ये थीटा है तो ये पक्का कितना आएगा, 90 माइनस कितना आएगा थीटा आएगा, ये सब अपन ने देखा है। ठीक है, तो अब अगर प्रॉब्लम में आएगा कि अपोजिट किसको बोलते हैं, एंगल एडजेसेंट किसको बोलते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा जिसके ऊपर रखा है उसको अपन क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और बेस का मतलब ही क्या होगा, एडजेसेंट होगा, मतलब ये क्या होगा, एडजेसेंट होगा। थीटा के जस्ट परपेंडिकुलर में जो भी साइड है उसको अपन क्या बोलेंगे, अपोजिट बोलेंगे। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, अपोजिट लिखा। ठीक है, ऐसा अपन ने लिख लिया। उसके बाद जो इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड मतलब ऐसी लाइन जो कि एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस को पैरेलल नहीं रहेगी, तो ऐसी लाइन को अपन क्या बोलेंगे, इंक्लाइंड लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंक्लाइंड लाइन बोलेंगे अपन। उसका मतलब ही क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, ये सब अपन ने देखा था। ठीक है, आज जस्ट अपन एक रिविजन ले लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, है ना, 10th स्टैंडर्ड से रिलेटेड। ठीक, तो अपन प्रॉब्लम देखते। ठीक है, तो अब अपन दो प्रॉब्लम देख रहे हैं। पहला प्रॉब्लम यहाँ पे उसने क्या बोला, इन अ ट्राइंगल। ठीक है, क्या बोला, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए, राइट एंगल एट ए, इफ ए बी बराबर दिया है उसने 12 सेंटीमीटर या तो यूनिट दिया है, उसके बाद फिर यहाँ पे ए सी बराबर कितना 5 है और बी सी बराबर कितना 13 है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, फाइंड ऑल दी सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी के फॉर्म में निकालना है। कौन से फॉर्म में बोला है, एंगल बी के फॉर्म में बोला। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम तुम लोगों ने देखा होगा, जस्ट अपन एक रिवीजन देख लेते। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कंसिडर करता हूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल अपन ड्रॉ करते। ठीक है, कंसिडर राइट एंगल ट्राइंगल वेयर एंगल बी बराबर, वेयर एंगल राइट एंगल एट ए बोला है, मतलब जो एंगल ए कंसिडर करोगे उसमें 90 डिग्री रहना चाहिए, मतलब इसको अपने को ए बोलना है। ठीक है, उसके बाद फिर इसको मैंने बी बोला और इसको सी कंसिडर किया, मतलब मैंने क्या कंसिडर किया, कंसिडर राइट एंगल ट्राइंगल वेयर एंगल ए बराबर कितना आएगा 90 डिग्री और एंगल बी इक्वल्स टू बी बोल देने का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सॉल्यूशन में, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, कंसिडर राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी वेयर एंगल ए इक्वल्स टू कितना आएगा 90 डिग्री। देखो मैंने एंगल ए को 90 डिग्री बोला है, इसलिए मैंने 90 डिग्री लिखा है। उसके बाद फिर एंगल बी बराबर कितना आएगा, एंगल बी इक्वल्स टू बी कंसिडर करने का, एंगल बी बराबर बी, मतलब ये जो एंगल है इसको मैं बी एंगल कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने देख लिया। अब उसने क्या बोला कि अब जो साइड अपने को पता चली है, ए बी बराबर कितना है 12 है, ए बी कहाँ पे ये है, ए बी बराबर कितना आएगा 12 आएगा। उसके बाद फिर ए सी बराबर कितना आएगा 5 आएगा, और उसके बाद फिर बी सी इक्वल टू कितना आएगा 13 आएगा, तो अपन ने ये 13 लिख लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा कंसिडर राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी वेयर एंगल बी बराबर, एंगल ए बराबर 90 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू बी, इसने बी बोला है इसलिए मैंने बी को यहाँ पे लिखा, नहीं तो मैं बी को यहाँ पे भी लिख सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा मैंने लिखने के बाद अभी
अभी उसने क्या बोला कि अपने को रिमेनिंग सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो रहते कौन कौन से रहते साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ठीक है, ये अपन ने देखा। तो वो सबकी वैल्यूज अपने को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला टारगेट ये रहना चाहिए कि ट्रायंगल में कितनी साइड रहती, तीन साइड रहती। क्या तीनों साइड का अपने को वैल्यूज पता है? क्या पता है? अगर तीनों वैल्यूज अगर अपने को पता है तो अपन इजीली किस कोई भी रेशियोज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई दो साइड पता है, तीसरी साइड अगर नहीं पता है तो उस केस में अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे ट्रायंगल में जब तीनों साइड पता है, ठीक है, मैंने लिख लिया यहाँ पे AC बराबर कितना 5, AB बराबर 12 और AC बराबर कितना आ गया 13, ऑलरेडी गिवन दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर अपन यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा। मुझे बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता? साइन थीटा मैं बोल रहा हूँ, साइन थीटा के फॉर्म में नहीं, मुझे साइन बी के फॉर्म में चाहिए, एंगल बी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एंगल बी के फॉर्म में अभी अपन लिखेंगे साइन ऑफ बी बराबर बताओ कितना होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला अपने को पता है कि ओहो आहा ओए, ओहो मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एंगल बी कहाँ पे वो देखूंगा, एंगल बी तो यहाँ पे है। अगर एंगल बी ये हो गया तो ये बेस हो गया, बेस का मतलब क्या हो गया, एडजेसेंट हो गया। इसके सामने में जो साइड रहेगी उसको अपन अपोजिट बोलेंगे और ये इंक्लाइन है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे, ठीक है। ये तो अपने को पता है। तो मुझे बताओ कि अगर मैंने ये एंगल कंसीडर किया तो अपोजिट साइड कौन सा, तो अपोजिट साइड क्या आएगा, एसी आएगा। और हाइपोटेनस साइड कौन सा रहेगा, हाइपोटेनियस साइड मतलब कितना आएगा, बीसी आएगा। तो यहाँ पे मैंने बीसी लिखा। क्या मुझे दोनों की वैल्यूज पता है? तो पता है। एसी बराबर कितना अपने पास 5 है तो मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ। उसके बाद फिर बीसी बराबर कितना अपने पास 13 है तो मैं यहाँ पे 13 लिख रहा हूँ, ठीक है, करेक्ट। ये मैंने साइन की वैल्यूज निकाल ली। सेकेंड नंबर वो क्या बोल रहा, ऐसे ही कॉस ऑफ बी की वैल्यूज बोलो। कॉस बी बराबर क्या होगा, फॉर्मूला अपन ने बोला ओहो आहा, आहा मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो ए अपॉन कितना आएगा, एच आएगा। फिर से एंगल बी के फॉर्म में अपन बात करेंगे तो एंगल बी बराबर अगर देखेंगे ओहो आहा, आहा मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट साइड मतलब जहां पे एंगल बी है उसमें जो भी बेस है उसका मतलब ही क्या होगा, एडजेसेंट होगा। तो एडजेसेंट की जगह अपन क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए बी। तो यहाँ पे ए बी अपॉन हाइपोटेनस साइड कितना आएगा, बी सी आएगा। तो यहाँ पे मैंने बी सी लिखा तो ए बी बराबर कितना, ए बी की वैल्यूज पता है मुझे कितना आएगा, 12 आएगा। और बी सी बराबर कितना आएगा, 13 आएगा। यह अपन ने देख लिया। थर्ड नंबर अगर अपन देखेंगे टैन थीटा, मतलब टैन ऑफ एंगल बी के फॉर्म में लिखना है tan of b। अच्छा tan b का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो ओहो आहा ओए, ओए मतलब क्या आएगा, अपोजिट अपॉन कितना आएगा, एडजेसेंट आएगा। एंगल b यहां पे है तो ये एडजेसेंट हो गया, ये अपोजिट हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो यहां पे एंगल b के फॉर्म में अगर अपन देखते हैं तो अपोजिट साइड मतलब क्या आएगा, अपोजिट साइड मतलब कितना, AC आएगा, ठीक है। और adjacent side मतलब कितना आएगा, तो AB आएगा। तो यहाँ पे कितना लिखा हमने, AB लिखा। तो बोलो AC की वैल्यू कितनी, AC की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। तो यहाँ पे मैंने 5 लिखा। और adjacent मतलब AB की वैल्यू कितनी है अपने पास, 12 है, तो मैंने ये 12 लिखा। तो मैंने tan theta फाइंड आउट कर लिया। ऐसे मैं cosec theta भी फाइंड आउट करूंगा। फोर्थ नंबर cosec, अच्छा कोसेक बी अगर अपने को निकालना है, एंगल बी के फॉर्म में बात करना है, इसलिए पूरे एंगल बी के फॉर्म में ही अपन लिखेंगे, ठीक है। तो कोसेक फॉर्मूला क्या होगा, अब अपने को पता है कोसेक मतलब रेसिप्रोकल ऑफ क्या आएगा, साइन आएगा। तो अब अपन क्या करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल, ओहो का रेसिप्रोकल कितना आएगा, एच अपॉन कितना आएगा, ओ आएगा। मतलब बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल आएगा, इधर देखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ए सी अपॉन बी सी है तो यहाँ पे कितना आएगा, बी सी अपॉन कितना आएगा, ए सी आ गया। इसका भी क्या करेंगे, अपन रेसिप्रोकल करेंगे। ये 13 अपॉन कितना आएगा, 5 आएगा। 13 अपॉन कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। ये अपन ने फोर्थ नंबर देख लिया। फिफ्थ नंबर की अगर अपन बात करते, फिफ्थ नंबर की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे सेक आएगा। बताओ सेक बराबर कितना, सेक मतलब किसका रेसिप्रोकल होगा, तो कॉस का रेसिप्रोकल होगा सेक, ठीक है। कॉस का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होता, तो रेसिप्रोकल कितना आएगा, हाइपोटेनियस अपॉन कितना आएगा, बेस मतलब एडजेसेंट आएगा।
ठीक है, एच अपॉन कितना आएगा ए, बिल्कुल कॉस का रेसिप्रोकल लिखना है यहाँ पे, ए बी अपॉन बी सी अगर है तो रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे बी सी अपॉन कितना आ गया ए बी आ गया, ठीक है मुझे दोनों की वैल्यूज पता है, हाइपोटेनस मतलब बी सी, एडजेसेंट मतलब ए बी, इसकी वैल्यूज कितनी है 13 है, यहाँ पे 13 अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी आएगी 12, तो यहाँ पे 13 अपॉन कितना आ गया 12 आ गया, 13 upon 12, एक लास्ट नंबर है, remaining 6 ratios find out करना था, तो cot भी अपन find out करेंगे, cot of b बराबर कितना, tan का formula क्या होता, ओहो आहा ओए, ओए का उल्टा कितना आएगा, a o, ऐसा मैंने लिख लिया, अच्छा तो adjacent side मतलब क्या आएगा, adjacent मतलब ए बी आएगा, ठीक है उसके बाद फिर अपोजिट साइड मतलब कितना आएगा ए सी आएगा, यहाँ पे मैंने ए सी लिखा, ए बी के जगह ए बी का आंसर कितना है, ए बी बराबर कितनी वैल्यूज है 12 है, तो यहाँ पे 12 लिखा, ए सी मतलब कितना आ गया 5 आ गया, यहाँ पे मैंने 5 लिखा, ठीक है तो अपन ने ये पहला क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किया, ठीक है इसमें रिमेनिंग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन ने फाइंड आउट किया, एंगल बी बराबर लेके कंसिडर करना है अपने को, ठीक है ठीक है। अभी अपन दूसरा प्रॉब्लम देख रहे हैं, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी बोला उसने, उसने क्या बोला इफ ए बी बराबर 1 है और ए सी इक्वल्स टू कितना आएगा 1 आएगा एंड बी सी इक्वल्स टू कितना आएगा रूट 2 आएगा, कितना आ गया रूट 2, फाइंड साइन बी कॉस सी एंड टैन बी, ठीक है तो सबसे पहला अपना टारगेट क्या रहेगा, सेम वैसे अपन लिखेंगे यहाँ पे तीनों साइड अगर पता है, मैं लिखूंगा कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी वेर एंगल बी बराबर वेर एंगल ए, राइट एंगल एट ए बोला है तो राइट एंगल एट ए लिखेंगे, तो एंगल ए इक्वल्स टू कितना 90 डिग्री, ठीक है और यहाँ पे लगे तो लिखना एंगल बी इक्वल्स टू कितना बी और एंगल सी इज इक्वल्स टू कितना सी, कंसिडर किया अपने, ठीक है तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दे, ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया और राइट एंगल एट ए पॉइंट बोला है, मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे ए बोलेंगे, उसके बाद फिर इसको एंगल बी बोला और इसको अपन ने एंगल सी बोल दिया, ठीक है एंगल बी बराबर बी कंसिडर किया, एंगल सी इज इक्वल टू कितना सी कंसिडर किया, ठीक है ये अपन ने लिख लिया, कंसिडर राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी वेयर एंगल बी बराबर 90, एंगल ए बराबर 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू बी, एंगल सी इज इक्वल टू सी, अब अपने को निकालना क्या है, अब सबसे पहले पिछला जो प्रॉब्लम बोला था अपने रिमेनिंग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने फाइंड आउट किए थे, इस क्वेश्चन में अपने को क्या निकालना है, फर्स्ट नंबर अपने को निकालना है साइन बी, ठीक है तो बोलो साइन बी का फॉर्मूला क्या होता, ओहो ओहो मतलब क्या होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे अपन लिखते अपोजिट अपॉन कितना आ गया हाइपोटेनस, तो मुझे पता है कि अपोजिट मतलब सबसे पहले ये देखो कि एंगल क्या है, एंगल बी है, बी कहाँ पे है ये, अगर ये बी कंसिडर किया तो ये क्या हो गया बेस हो गया, बेस का मतलब क्या होगा एडजेसेंट होगा, ये बी के जस्ट अपोजिट में जो परपेंडिकुलर है ठीक है उसको अपन ने ओ बोला, और जो इंक्लाइंड रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा हाइपोटेनस रहेगा, ये चीजें अपने को पता चली, तो साइन बी बराबर फॉर्मूला क्या होता ओ हो मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो बोलो अपोजिट साइड मतलब कितना दिया हुआ है, अपोजिट साइड मतलब ए सी है, अपोजिट साइड मतलब ए सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस मतलब क्या आएगा बी सी आएगा, तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा बी सी, तो क्या मुझे इन दोनों की वैल्यूज पता है, तो ऑलरेडी वैल्यूज यहाँ पे मेंशन किया गया है तो अपन वो वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे, बोलो यहाँ पे ए बी की वैल्यूज कितनी है, ए बी बराबर कितना आ गया 1 आ गया, ए सी बराबर भी कितना है 1 है और बी सी बराबर कितना आएगा रूट 2 आएगा, कितना आएगा रूट 2, तो मुझे बताओ यहाँ पे ए सी की वैल्यूज कितनी आ गई 1 आ गई, तो यहाँ पे 1 लिखा और बी सी की वैल्यूज कितनी आ गई रूट 2 आ गई, तो आंसर कितना आ गया 1/√2 आ गया, कितना आ गया 1/√2। सेकेंड नंबर अपने को क्या फाइंड आउट करना है, कॉस ऑफ यहाँ पे सी फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है कॉस सी फाइंड आउट करना है, एंगल सी के तरफ कॉन्सेंट्रेट करने का, एंगल सी कहाँ पे दिख रहा, एंगल सी तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा, अगर एंगल सी यहाँ पे दिख रहा तो ये जो रहेगा
ये जो एंगल सी है वो इस लाइन के ऊपर रखा है, मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। बेस मतलब क्या आएगा, एडजेसेंट आएगा। तो अभी ये एडजेसेंट हो जाएगा इसके सामने में जो परपेंडिकुलर है, इसको अपन क्या बोलेंगे, अपोजिट बोलेंगे। और ये हाइपोटेनस रहेगा। तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं, इसको अपन ने एडजेसेंट बोला, इसको अपन ने अपोजिट बोला, तो इसके हिसाब से कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। कॉस मतलब ही क्या होता है, ओहो आहा, आहा मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड कौन सा, अगर मैं ये एंगल कंसीडर करूंगा तो ये एडजेसेंट आएगा, ये एंगल कंसीडर करूंगा तो ये एडजेसेंट आएगा। तो अभी मुझे एडजेसेंट पता है, एडजेसेंट बराबर कितना आएगा, कॉस का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होता है। और एडजेसेंट अभी एंगल सी के फॉर्म में कंसीडर करोगे तो एसी आएगा, तो यहाँ पे एसी अपॉन में, और हाइपोटेनस कितना आएगा, बीसी आएगा। तो यहाँ पे मैंने बीसी लिख लिया, मतलब इसका भी आंसर कितना आएगा, 1/√2 आएगा। कितना आएगा, 1/√2 आएगा। आगे बढ़ते, तीसरा उसने क्वेश्चन क्या बोला, तीसरा थर्ड नंबर उसने बोला कि यहाँ पे टैन ऑफ कितना आएगा, बी, tan of b, ठीक है। अच्छा tan of b मतलब tan का पहले फॉर्मूला बताओ, tan का फॉर्मूला क्या होता है, ओहो आहा ओए, ओए मतलब क्या आएगा, अपोजिट अपॉन कितना आएगा, एडजेसेंट आएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब एंगल के तरफ कॉन्सेंट्रेट करो, एंगल क्या है, b है, एंगल b कहां पे दिख रहा है, ये यार अगर ये b अगर है तो ये लाइन के ऊपर रखा है, मतलब ये बेस होगा, बेस का मतलब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एडजेसेंट हो गया, और ये क्या होगा, अपोजिट होगा, ये तो हाइपोटेनस होगा, ये सब पता है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अगर मैंने ये एंगल कंसीडर किया तो इसके सामने में ये अपोजिट साइड आएगा, मतलब ये क्या हो गया, एसी हो गया, करेक्ट है। उसके बाद फिर एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब क्या आएगा, ए बी आएगा, तो इसको मैंने यहाँ पे ए बी लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो एसी की वैल्यूज कितनी है अपने पास, 1 है, और ए बी की वैल्यूज भी कितनी है, 1 है। तो फाइनली 1/1 कितना होगा, 1 होगा। तो इसने सिर्फ 3 बोला था। अब अगर मैं आगे और इसको अगर देखता हूँ, ठीक है, तो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, जैसे एंगल बी के फॉर्म में क्वेश्चन इतना ही था, अपन इतना ही लिखेंगे, ठीक है। अपन ने दो प्रॉब्लम इसके पहले देखे, वो दोनों प्रॉब्लम में ऑलरेडी अपने को तीनों के तीनों एंगल्स पता थे, मतलब तीनों साइड्स अपने को पता थी, ठीक है। तो अपन डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा के, फॉर्मूला लगा के आंसर निकालते थे। ये प्रॉब्लम में अपने को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है, और अपने को रिमेनिंग कॉस ए और टैन ए की वैल्यूज निकालनी है, कॉस और टैन की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, फिर देखो इसको अपन क्या कर दे, आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके अपन सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपन सेम वे से चलते हैं। पहले मैंने यहाँ पे लिखा, अपने पास गिवन क्या है, अपने पास गिवन दिया है उसने साइन ऑफ ए बराबर 3/ कितना आएगा, 5 आएगा, कितना आएगा, 3/5। मैंने ऐसा लिखा, इसको मैं नंबरिंग करता हूँ, 1 कंसिडर करता हूँ, ठीक है, नंबरिंग किया 1। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसिडर राइट एंगल, कंसिडर राइट एंगल एट ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा, सॉरी एंगल ए के फॉर्म में, कंसिडर राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी वेयर एंगल बी बराबर कितना, 90 डिग्री। एंगल ए इक्वल्स टू ए कंसिडर करने का, एंगल ए इक्वल्स टू ए कंसिडर करने का, ठीक है। तो अब अगर अपन यहाँ पे देखते हैं, और एंगल बी इक्वल्स टू बी भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल ए इक्वल्स टू ए, मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल, मैंने इसको नेमिंग किया ए, मैं इसको यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बी लिखा, और यहाँ पे एंगल सी लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन ने देखा, कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल वेयर एंगल बी बराबर 90 डिग्री, एंगल ए इक्वल्स टू कितना आ गया, ए, एंगल ए इक्वल्स टू ए कंसिडर कर लिया अपन ने, ठीक। अब मेरे पास ऑलरेडी गिवन क्या दिया है, मेरे पास गिवन दिया है कि साइन ए बराबर कितना आएगा, 3/5। तो ये ट्रायंगल में से मैं साइन की वैल्यूज निकालता हूँ, किसकी वैल्यूज निकालता हूँ, साइन की। तो मुझे बताओ, अगर मैंने साइन अगर बोला तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे अपोजिट अपॉन कितना आएगा, हाइपोटेनस,
ऐसा लिख लिया अपन ने। अच्छा अपोजिट साइड कौन सा आएगा, अगर एंगल ए मैंने बोला तो अपोजिट साइड मतलब क्या आएगा, बीसी आएगा, यहाँ पे बीसी, और हाइपोटेन्यूस साइड कौन सा आएगा, एसी आएगा, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एसी, ठीक है। इसको मैंने नंबरिंग किया नंबर टू, इसको अपन ने क्या बोला, नंबरिंग टू, ठीक है। अब अगर अपन देखेंगे तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू इसका साइन ए की वैल्यूज कितनी है, 3/5 है, और यहाँ पे साइन ए की वैल्यूज कितनी है, बीसी बाय कितना आएगा, एसी आएगा। दोनों का LHS साइड सेम है तो कंपेयर करेंगे तो RHS को इक्वल बताएंगे, तो फ्रॉम 1 एंड 2 के हिसाब से अपन डायरेक्टली बोलेंगे BC अपॉन AC बराबर कितना आएगा, 3/5 कितना आएगा, 5 आएगा, कितना आएगा, 3/5। मतलब मुझे यहां पे पता चला कि BC बराबर कितना 3 है और AC बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। BC बराबर 3 है और AC बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो BC कहां पे है, ये BC अगर है तो BC बराबर कितना आएगा, 3 आ गया, और AC बराबर कितना आ गया, 5। तो तीसरा साइड अपने को निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ट्रायंगल के तीनों साइड अपन नहीं निकालेंगे तो आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो तीसरी साइड, दो साइड अगर पता है मुझे, तीसरी साइड निकालना है, अपन क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, जो सबसे बड़ी साइड है उसको एक साइड में लिखो, मतलब AC का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स, ठीक है, टू रिमेनिंग साइड्स। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे कि हाइपोटेन्यूस हो गया, इसका स्क्वायर किया, अभी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, BC का स्क्वायर प्लस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, AB का स्क्वायर, मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है, ये तो अपन ने अपने को पता है। अच्छा मुझे बताओ BC AC बराबर कितना गिवन दिया, AC बराबर कितना, 5 है, यहाँ पे मैंने लिखा 5 का स्क्वायर, BC बराबर कितना अपने पास, 3 है, यहाँ पे BC इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर लिखा। AB की वैल्यूज पता है क्या अपने को, नहीं पता, तो यहाँ पे मैं AB एज इट इज रखता हूँ, AB एज इट इज रखा, इसका स्क्वायर लिखा, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9, प्लस ऑफ यहाँ पे AB का कितना आएगा, स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे AB की वैल्यूज निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, 9 को उठा के इक्वल्स टू इधर साइड लेके आएंगे, मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो AB का कितना आएगा स्क्वायर, बराबर में 25 माइनस ऑफ 9, 25 माइनस 9, यहाँ पे देख लेते, तो यहाँ पे AB का स्क्वायर इक्वल टू 25 में से 9 गया तो कितना आएगा, AB का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। लेकिन कभी भी स्क्वायर को भगाना है तो अपन स्क्वायर रूट लेंगे, और स्क्वायर रूट लेने के बाद आंसर प्लस माइनस में आएगा, ठीक है। तो बोलो 16 का स्क्वायर रूट लेंगे कितना आएगा, AB बराबर 16 का स्क्वायर रूट लिया, प्लस माइनस 4 आएगा, प्लस माइनस 4, बट साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, बट साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, मतलब AB बराबर कितना आएगा, 4 आएगा, कितना आएगा, 4। और ट्रायंगल में मुझे पता है कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 3 4 5, ठीक है, पक्का कितना आने वाला है, 4 आएगा, ठीक है, ये अपन ने निकाल लिया। अब देखो ट्रायंगल में मैंने तीनों साइड निकाल लिया, अब तीनों साइड निकालने के बाद उसने क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला कि अब फाइंड आउट करो कि cos A बराबर कितना। तो ना अभी मैं cos A की बात करता हूं, और cos का फॉर्मूला पता है अपने को, cos मतलब क्या होगा, adjacent upon hypotenuse, adjacent upon hypotenuse, ऐसा लिखा। अच्छा एंगल A कहां पे, यहां पे एंगल A के हिसाब से देखेंगे तो ये अपोजिट होगा, ये एडजेसेंट होगा, और ये हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ पे एडजेसेंट मतलब क्या आएगा, तो अपन ए बी लिखते हैं, उसके बाद हाइपोटेनस मतलब कितना आएगा, ए सी आएगा। तो मुझे ए बी की वैल्यूज पता है, ए बी बराबर कितना आएगा, 4 आएगा, और ए सी बराबर कितना, 5 है, ये भी अपने को पता है, ठीक है। तो मैंने कॉस ए निकाल लिया। सेम वैसे अपन टैन ए की बात करेंगे, यहाँ पे टैन ऑफ ए, ठीक है, टैन ए का तुम फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, तो ओ ए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, फिर से एंगल ए के फॉर्म में बात कर रहा, तो अपोजिट मतलब कितना आएगा, बी सी आएगा, और एडजेसेंट मतलब कितना आएगा, ए बी आएगा। मुझे बी सी की वैल्यूज पता है, मुझे बी सी बराबर पता है कितना आएगा, 3, और ए बी बराबर कितना पता है, वो भी 4 आएगा, ठीक है। तो अपन ने ये क्वेश्चन देख लिया, इसमें अपन ने
एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज गिवन दी थी, मैंने कंपेयर किया, कंसीडर ट्रायंगल कंसीडर करने के बाद कंपेयर किया, मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया और रिमेनिंग साइड निकालने के बाद कॉस और टैन अपन ने फाइंड आउट किया। थैंक यू।